देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, देखो क्या बोल रहा है। द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एंड एच लिमिटेड एज ऑन 30 जून 1997 वर एस फॉलोज। तो देखिएगा आपको दो कंपनी दी हुई है, एक कंपनी आपको दी हुई है एस लिमिटेड एंड द अनदर वन आपको दी हुई है एच लिमिटेड। ठीक है नाउ अब ये क्या बोल रहा है, देखिएगा बैलेंस शीट में आप इन्वेस्टमेंट में देखिएगा इन्वेस्टमेंट इन एच लिमिटेड, व्हाट डज इट मीन। एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने, 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स, 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स। अब जरा देखते हैं एच लिमिटेड की टोटल कैपिटल कितनी है। तो देखिएगा एच लिमिटेड की टोटल कैपिटल है 25 करोड़ और 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, कैसे पता लगा कि 10 रुपए का एक शेयर है, यहां देखिएगा इसने बोला है हमने ये जो 2 करोड़ इक्विटी शेयर हैं ये 10 रुपए वाले हैं, तो व्हाट डज इट मीन, इसकी जो कैपिटल है वो ₹10 है। तो इसका मतलब आपने 2.5 करोड़ शेयर्स में से, 2.5 करोड़ कैसे आया, टोटल 25 करोड़ की कैपिटल है आपकी और एक शेयर है 10 रुपए का, तो व्हाट डज इट मीन, आपके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हो गए 2.5 करोड़। ना इस 2.5 करोड़ में से 2 करोड़ इसने ले रखे हैं, तो बताइए कितना परसेंट शेयर होल्डिंग इसने ले रखी है। 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 2.5, दैट मींस 80% होल्डिंग है। आगे बढ़ते हैं। इन अ स्कीम ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कोर्ट द असेट ऑफ एच लिमिटेड वर टेकन ओवर एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 330 करोड़। नाउ व्हाट डज इट मीन, एस लिमिटेड तो एक्वायरर बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिएगा जो एस लिमिटेड है वो तो है एक्वायरर और जो एच लिमिटेड है वो है एक्वायरी। चलिएगा क्लियर है बिल्कुल यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या बोला है कि जो असेट आप एच लिमिटेड की लोगे उसकी फेयर वैल्यू दे रखी है 330 करोड़, लाइबिलिटीज को एट पार लिया जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना, आउटसाइड शेयर होल्डर्स ऑफ एच लिमिटेड वर अलॉटेड इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹90 पर शेयर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। यानी आप एच लिमिटेड के शेयर होल्डर को जब पेमेंट करोगे आउटसाइडर्स को तो आपको जो शेयर इशू करने हैं वो ₹90 के प्रीमियम पर, यानी ध्यान से समझिएगा आपके पास जो फेस वैल्यू है वो तो आपको दी हुई है 10 रुपए और इसमें आप प्लस प्रीमियम कितना दोगे आप उनको, ₹90 का प्रीमियम पर, यानी एक शेयर की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ₹100 का वर्थ का शेयर इशू होगा। क्लियर है बिल्कुल, आगे चलते हैं। फिर उसने बोला है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड फिक्स्ड असेट जो है वो एच लिमिटेड की रीवैल्यूड हुई है 40 करोड़। नाउ व्हाट डज इट मीन, ध्यान से देखिएगा, देखो आपको ये दे रखा है कि जो टोटल असेट है आपकी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो टोटल असेट है वो आपको दे रखी है 330 करोड़ की। फिर उसने बोला रिकॉर्डिंग पर्पस से, चूंकि आपको कैटेगरी बनानी पड़ेगी, तो जो फिक्स्ड असेट हैं
उनकी वैल्यू तो दी उसने 40, तो इसका मतलब करंट असेट्स की वैल्यू क्या बची? 290। ये आपके पास जो टोटल असेट की फेयर वैल्यू है उसका उसने ब्रेकअप दे रखा है रिकॉर्डिंग पर्पस से, बैलेंस शीट पर्पस से। क्लियर है बिल्कुल यहां तक? तो अब आप जरा देखिएगा, जब आपने इस क्वेश्चन को रीड किया तो एक बात समझ आई कि यहां पर हमारे पास सिचुएशन ए लग रही है। एस लिमिटेड जो है वो एक्वायरर है और एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड में क्या कर रखा है, 80% शेयर ले रखे हैं। नाउ अब बात आती है कंसीडरेशन के मेथड के ऊपर। तो देखिएगा, उसने बोला है कि आप शेयर होल्डर को शेयर्स अलॉट करोगे, बट द पॉइंट इज कितने शेयर्स अलॉट करोगे, नॉट गिवन। कितने शेयर्स अलॉट करोगे, नॉट गिवन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो मेथड हम अप्लाई करेंगे वो कौन सा होगा, नेट असेट मेथड लगेगा। तो यानी इसका मतलब ये हो गया, कंसीडरेशन जो हम निकालेंगे वो कंसीडरेशन निकलेगा नेट असेट मेथड से। तो लीजिए, ये हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन की एक प्रॉपर क्या आ गई, फ्रेमिंग आ चुकी है। क्लियर है बिल्कुल सभी जनों को, ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेट असेट लगेगा क्योंकि पेमेंट की इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप जो शेयर इशू करोगे वो 90 रुपए के प्रीमियम पर इशू करने वाले हो, यानी एक शेयर की वर्थ जो है वो आपकी 100 रुपए रहेगी। और जो टोटल असेट आपने 330 करोड़ की ली है उसमें फिक्स असेट 40 करोड़ और करंट असेट आपने 290 करोड़ की ली। चलिएगा, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है। देखिएगा, सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती है, हमें कंसीडरेशन निकालना है, पॉइंट नंबर वन। कंसीडरेशन, ब्रैकेट में हम डाल देते हैं नेट असेट मेथड लगेगा। ये सबको बिल्कुल क्लियर है नेट असेट मेथड क्यों लगेगा, क्योंकि पेमेंट की इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है। नाउ अब ये क्या बोल रहा है कि आपने फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन ओवर, फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन ओवर कितनी है, 330। चलिएगा, अब चूंकि ये टोटल असेट दे रखी है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें फिक्स असेट भी आ चुकी है और इसमें करंट असेट भी आ चुकी है। आगे चलते हैं, उसके बाद आपको लाइबिलिटी दी हुई है, तो माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज। कितनी दी हुई है, करंट लाइबिलिटी हमें दी हुई है 200। और माइनस करेंगे, हमें 10% डिवेंचर्स दिए हुए हैं, 25 के। ठीक है, दो लाइबिलिटी आपको एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में दे रखी है, करंट लाइबिलिटी 200 और डिवेंचर 25। तो ये लीजिएगा, ये आ गया 225। बताइए, तो हमारी नेट असेट आ गई 105। क्लियर? अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर केस ए या सिचुएशन ए लग रही है तो हमें केवल आउटसाइडर का हिस्सा निकालना होता है, तो हम इसमें से इमीडिएटली लेस करेंगे प्रोपोर्शनेट नेट असेट रिलेटेड टू एस लिमिटेड।
ठीक है, यानी कितना लेस कर दोगे, 105 का 80% हम हटा देंगे क्योंकि एस लिमिटेड के पास 80% शेयर होल्डिंग है, 105 का 80% यानी 84, ये लीजिए, ये आपका कंसीडरेशन। कंसीडरेशन माइनस 105 कर दीजिए, 21 करोड़ का आपका कंसीडरेशन आ गया, ये आपका रुपीज इन करोड़ चल रहा है, लीजिएगा। तो नेट असेट मेथड से हमारा जो कंसीडरेशन आया वो आ गया 21 करोड़। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट, डिस्चार्ज स्टेटमेंट बनाएंगे। चलिएगा पहले हम ऐसा करते हैं, ये निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स बने। तो देखिएगा नंबर ऑफ शेयर्स आपको 21 करोड़ का पेमेंट करना है, एक शेयर की प्राइस है 100 रुपए, तो दैट मींस 21 लाख आपके पास शेयर्स होंगे। आइए ना, इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, अगर हम इन फॉर्म ऑफ कैपिटल जा रहे हैं तो 21 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपए का एक शेयर है, तो 2 करोड़ 10 लाख तो ये हो गया, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा, 21 लाख इंटू 90 रुपए, ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, तो 21 लाख इंटू 90, वन करोड़ करोड़ 90 लाख, तो ये लीजिए आपका टोटल कंसीडरेशन आ गया 21 करोड़। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, डिस्चार्ज स्टेटमेंट बन गया है। नाउ अब इसने एस लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज मांगी, लेकिन मैंने आपको एक और वर्किंग बताई थी, अगर केस ए लगता है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पर लाना पड़ेगा। तो लीजिए फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखिएगा अब फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड मल्टीप्लाई बाय इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। क्लियर, बिल्कुल। तो देखिएगा अब अगर मैं बात करूंगा तो जो एच लिमिटेड है उसकी नेट असेट कितनी आई थी बताइए, एच लिमिटेड की नेट असेट वो आई थी आपके पास 105 करोड़, वो आई थी आपके पास 105 करोड़। और नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ
एच लिमिटेड कितने हैं? 2.5 करोड़। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई 105 डिवाइडेड बाय 2.5, 42 रुपीज पर शेयर। ठीक है, तो लीजिएगा फेयर वैल्यू आ जाएगी। हमने कितने शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं? 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं और एक की वैल्यू है 42 इंटू 8 कितना आ गया? 8 करोड़ 40 लाख या 84 करोड़। 84 करोड़ ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू आ गई है। नाउ बहुत ध्यान से सुनना, और हमारी बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं वो चल रहे हैं 32 करोड़ पर। हमारे पास जो बुक वैल्यू चल रही है वो कितनी चल रही है? 32 करोड़। तो बताइए प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट 84 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू है माइनस 32 करोड़। बताइएगा कितने का फायदा हो गया? 84 माइनस 32, 52 करोड़ का फायदा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड। बुक्स ऑफ एस लिमिटेड यानी एक्वायरर। आइएगा पहली एंट्री, मुझे बताइए आपने अपने इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया है तो रीवैल्यू पर 52 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लीजिए 52 करोड़ से आपने अपनी बुक्स में प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर दिया। आइएगा अब हम करेंगे एक्विजिशन एंट्री। तो देखिए इसने बोला है कि जो फिक्स असेट हैं उनको 40 करोड़ मानना है। आइएगा फिक्स्ड असेट डेबिट 40 करोड़ करंट असेट्स डेबिट, बताइए कितना? 330 में से 40 करोड़ चला गया तो 290 करोड़, 290 करोड़ क्लियर बिल्कुल। तो अगर हम करोड़ कॉमन ले लें तो मेरे हिसाब से थोड़ा एंट्रियां करने में आसानी रहेगी, तो मैं यहां तो कर देता हूं 40 करोड़ और यहां मैं कर देता हूं 290 करोड़। ठीक है, थोड़ा करोड़ को कॉमन ले लेते हैं वरना जीरोज में ही गलतियां हो जाएंगी आपकी। चलिएगा टू, बताइए करंट लाइबिलिटी कितनी? हमारी करंट लाइबिलिटी थी 200 करोड़, करंट लाइबिलिटी 200 करोड़। टू डिवेंचर्स,
चलिएगा, टू डिवेंचर्स हमारे पास आ गए 25 करोड़, टू कंसीडरेशन कंसीडरेशन हमारा आया 21 करोड़। चलिएगा तो 330 में से माइनस करेंगे 200, माइनस करेंगे 25 और माइनस करेंगे 21, तो हमारे पास गुडविल आ गई कितनी, गुडविल के बार्गेन परचेस क्या आया, 330 में से माइनस किया 200, माइनस किया 25 और माइनस 21, तो बार्गेन परचेस आ गया। तो यहां अपन लिख देंगे टू बार्गेन परचेस, टू बार्गेन परचेस 84। बोलिए क्लियर है बिल्कुल यहां तक। नाउ कंसीडरेशन का पेमेंट करोगे एंट्री नंबर 3, कंसीडरेशन पेबल डेबिट, इक्कीस करोड़, मैं करोड़ को कॉमन ले चुका हूं, तो 21 करोड़। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 2.1 करोड़, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 18.90। अब देखिएगा मेरी बुक्स में 32 के इन्वेस्टमेंट और मैंने 52 का प्रॉफिट बुक किया है, तो इसका मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हो गई है 52 प्लस 32, 84 से कैंसिल कर देंगे, और 84 ही हमारा क्या आया था, बार्गेन परचेज आया था। तो एंट्री हो जाएगी बार्गेन परचेज डेबिट 84, टू इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 84 करोड़। ये लीजिए, ये हमने अपने इसको कैंसिल क्या कर दिया, कैंसिल। वन मोर पॉइंट देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जो एच लिमिटेड है उसकी लाइबिलिटी में आप देखिएगा 10% 25 लाख वाले डिवेंचर ले रखे हैं। अच्छा जी बिल्कुल, देखना मेरी बात, इधर देखिएगा सभी जने ध्यान से स्क्रीन पर, जो ये एच लिमिटेड है इसने 10% वाले 25 लाख डिवेंचर ले रखे हैं, और इधर इन्वेस्टमेंट में आइए, यही 25 लाख के डिवेंचर आपने, 25 लाख डिवेंचर 24 लाख रुपए में खरीदे हुए हैं। व्हाट डज इट मीन कि एच लिमिटेड ने जो डिवेंचर इशू कर रखे हैं वो सारे के सारे एस लिमिटेड ने हेल्ड किए हुए हैं, तो ये एक एडजस्टमेंट बन गया इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। वापस से सुन लेना, एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी चल रही है 10% डिवेंचर 25 लाख, क्लियर बिल्कुल, और यही हेडिंग इधर आई है असेट में दिखाई दे रही है, एस लिमिटेड ने ये 10% जो 25 लाख डिवेंचर हैं पूरे के पूरे खरीद रखे हैं 24 करोड़ में, पूरे के पूरे खरीद रखे हैं 24 करोड़ में, तो ये ट्रांजैक्शन इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन बन गया डिवेंचर्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, मुझे इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखिएगा व्हाट विल बी द एंट्री, एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5,
एक तरफ लाइबिलिटी कैंसिल होगी, टेन परसेंट डिवेंचर्स डेबिट 25 लाख, टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट कैंसिल हुए 24 लाख के, तो बाकी का हमारा फायदा हो गया वो चला जाएगा टू, 12 गेन परचेज, ये लीजिएगा, ये 1 करोड़ हमारे कहां चले गए, बार्गेन परचेज अकाउंट में चले गए, चलिएगा। तो दीज आर दी जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ टैक्स। अब वो बोल रहा है बैलेंस शीट बना दीजिए, आइएगा। बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड, आइएगा। सबसे पहले असेट्स, तो देखिएगा इसमें हमारे पास है नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट। देखिएगा एस लिमिटेड की खुद की जो फिक्स असेट दे रखी है वो 100 है, प्लस आपने सामने वाले की 290 को एक्वायर किया, तो असेट की वैल्यू हो गई 390। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमें दे रखी है करंट असेट्स। बताइएगा करंट असेट्स हमारी खुद की है 800, प्लस सामने वाले की, सॉरी शायद 40 की तो फिक्स असेट थी हमारी, देखिएगा ये थोड़ा सा एंट्री में गड़बड़ हो गई, ये 100 प्लस 40 की हमारी फिक्स असेट है, सौ प्लस 40 तो 140 तो ये आएगा, और 800 प्लस 290 की करंट असेट्स, 800 प्लस 290, 1090, 1090, बस यही है। टोटल बारह सौ तीस आपका ये टोटल आ गया। आइएगा सेकेंड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज सबसे पहले हमारे पास आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। बिल्कुल ध्यान से बताइए, खुद की हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल थी 80, प्लस हमने जो शेयर इशू किए उसकी वजह से 2.10, दैट इज 82.10। आइए अदर इक्विटी, तो देखिएगा अदर इक्विटी में आपको रिजर्व्स दे रखे हैं 400 के, अदर इक्विटी में रिजर्व्स दे रखे हैं 400, और सिक्योरिटी प्रीमियम आया था 18.9, और बार्गेन परचेज आ गया, वन का कैसे आया, देखिए पहली एंट्री में बार्गेन परचेज 84 था,
और 84 का बार्गेन परचेस कैंसिल हो गया। सिर्फ इस कैंसिलेशन में फिर बार्गेन परचेस 1 करोड़ का क्रिएट हुआ है आपका। तो ये अदर इक्विटी कितनी आ गई बताइए, 400 प्लस 18.9 प्लस 1, दैट इज 419 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अदर लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसमें आ जाएंगी अदर लाइबिलिटीज। तो अदर लाइबिलिटीज की वैल्यू आपको दे रखी है 120। उसके बाद आएंगी करंट लाइबिलिटीज। तो देखिएगा जरा बताते हैं करंट लाइबिलिटी कितनी है। खुद की करंट लाइबिलिटी है 356 प्लस सामने वाले की आपने 200 की करंट लाइबिलिटी ली, तो यानी 556 ये आपके पास करंट लाइबिलिटी आ गई। ठीक है, हाँ जी, कितनी 200 आप देखिएगा एक बार, ठीक है ना, इतना चेक कर लीजिए एक बार। अच्छा जी, एक चीज हमारी यहां छूट गई, ये वाली एंट्री। अब ध्यान से बिल्कुल देखो, बस यही होता है, हमने जब अपनी इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया था तो हमें 52 करोड़ का फायदा हुआ था, जो कि हमारा कहाँ गया है, पीएनडल में। तो आपके रिजर्व्स में एक और अमाउंट आएगा पीएनडल, पीएनडल थोड़ा सा यहां मेरे पास स्पेस कम है तो आप मैनेज करवाएंगे। आप यहां लिख देंगे पीएनडल आपके पास आ गया 52 करोड़। अब मुझे बताएं ये टोटल कितना आ गया, 400 प्लस 18.9 प्लस 1 प्लस 50, 471। चलिए असेट का टोटल लगाएं, 471.9 प्लस 82.1 प्लस 120 प्लस 556, टोटल आ गया आपके पास 1230। ये हमारे पास टोटल है। तो ये आप देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें आपकी सिचुएशन ए लग रही थी, जब एक्वायरर एक्वायरी में शेयर होल्डर हो तो हम कैसे उसको अप्लाई करें। क्लियर है बिल्कुल सबको? हम इस एंट्री को भी 52 करोड़ ऐसा करते हैं, इनको थोड़ा सा अपन करोड़ में लिखते हैं। ये 52 करोड़ से है और ये 40 और 290 करोड़ से, करोड़ को कॉमन ले लिया। चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 46 है, देखिए क्या बोल रहा है। आपको करण लिमिटेड और कनिका लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है, यानी हमें दो कंपनियां दी हुई हैं, एक तो है करण ठीक है, और एक है हमारे पास कनिका। चलिए जरा इनके इन्वेस्टमेंट की हेडिंग पर आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जो करण लिमिटेड है उसने कनिका लिमिटेड में 1500 शेयर्स लिए हुए हैं,
कनिका में 1500 शेयर्स ले रखे हैं और कनिका ने करण में 4500 शेयर्स दे रखे। जरा इनकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देखते हैं अपन, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कनिका लिमिटेड के टोटल शेयर्स हैं 7500। देखिएगा, कनिका पर बात करता हूं, कनिका 7.5 लाख की कैपिटल दे रखी है और 100 रुपए का एक शेयर है, तो इसके टोटल शेयर्स हो गए 7,500। 7,500 में से 1500 करण ने ले रखे हैं, तो बताइए कितना परसेंट हो गया, 20% होल्डिंग हो गई। अब आ जाइए करण पर। करण पर करण की कैपिटल दे रखी है 22,50,000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 22,500। क्लियर है बिल्कुल। इस 22,500 में से 4,500 शेयर्स कनिका ने ले रखे हैं, तो 4,500 डिवाइड बाय 22,500 इंटू 100, तो दैट मींस 20% शेयर ले रखे। आगे बढ़ते हैं। कनिका लिमिटेड ट्रेडेड इन रॉ मटेरियल विच वर रिक्वायर्ड बाय द करंट लिमिटेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इट्स प्रोडक्ट। स्टॉक ऑफ करंट लिमिटेड इंक्लूड 1,50,000 फॉर द परचेजेस मेड फ्रॉम कनिका लिमिटेड ऑन विच कंपनी। देखिए क्या बोल रहा है ये कि कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ठीक है कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। करण लिमिटेड ओड 60,000 टू कनिका लिमिटेड इन दिस रेस्पेक्ट और 60,000 रुपए का उधार अभी भी बाकी है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट करण लिमिटेड शुड एब्सॉर्ब कनिका लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द टू कंपनीज। ठीक है, यानी जो कंसीडरेशन आपको निकालना है वो किससे निकालना है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से निकालना है। बिफोर एब्सॉर्प्शन क्या हुआ है, करण लिमिटेड ने 12% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। करण लिमिटेड, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, करण लिमिटेड जो है वो एब्सॉर्ब कर रही है कनिका लिमिटेड को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करण लिमिटेड तो क्या बनी, एक्वायरर, और कनिका लिमिटेड क्या बनी, एक्वायरी। चलिएगा, करण लिमिटेड की बुक्स में एंट्रियां करनी है और बैलेंस शीट बनानी है इमीडिएटली आफ्टर दैट। चलिएगा, करें स्टार्ट अब अपन, तो आइएगा स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 46। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप वन। कैलकुलेट नेट असेट ऑफ बोथ द कंपनीज दोनों कंपनियों की आप नेट असेट निकालोगे एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को हटाने के बाद आप क्या निकालोगे, दोनों कंपनियों की हम नेट असेट निकालेंगे। तो लीजिए, ये हमारे पास है
करण लिमिटेड और ये हमारे पास है कनिका लिमिटेड। चलिएगा हम असेट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखी है फिक्स्ड असेट, बताइए फिक्स असेट कितनी दे रखी है, 15,75,000। ये तो 15 लाख है और ये आपको दी हुई है 75,000। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। फिर आपको डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स डेटर्स की वैल्यू दे रखी है 4,35 और 2,25, 4,35 और 2,25। फिर उसके बाद आपको दे रखा है स्टॉक, ठीक है, स्टॉक की वैल्यू 7,20 और 3,15, 7,20,000 और 3,15,000। उसके बाद आपको दे रखा है बैंक बैलेंस, स्टॉक के बाद दे रखा है बताइए बैंक बैलेंस कितना है, 2,10 और 1,35, 2,10,000 और 1,35,000। नाउ अब आपको उसने एक पॉइंट दे रखा है कि बिफोर एब्जॉर्प्शन जो कौन सी कंपनी थी, करण लिमिटेड ने 12% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो जितने शेयर्स कनिका ने हेल्ड कर रखे हैं उस पर उसे भी 12% डिविडेंड मिलेगा, तो इसके लिए एक असेट आ गई। डिविडेंड रिसीवेबल, बताइए डिविडेंड रिसीवेबल कितना हुआ, ध्यान से देखिएगा, मुझे बताइए कनिका लिमिटेड के पास शेयर्स कितने थे, 4,500 शेयर्स इंटू 100 रुपए का 12% आपका डिविडेंड बना, बताइए डिविडेंड का अमाउंट कितना आ गया, 4,500 इंटू 100 इंटू 12%, 54,000 का आपका डिविडेंड रिसीवेबल बनेगा। ये लीजिए टोटल असेट्स 15 लाख, 4,35, 7,20 और 2,10, तो ये आ गया 28,65,000, 28,65,000। इधर आ जाइए, 75,000 प्लस 2,25 प्लस 3,15 प्लस 1,35 प्लस 54,000, तो ये आ गया 8,04,000। चलिए अब इसमें से माइनस करना स्टार्ट करेंगे, करण और चलिएगा माइनस। सबसे पहले आपको दे रखी है करंट लाइबिलिटीज, बताइए करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू है 3,01,35, तो 3,01,35,000। उसके बाद आपको दे रखे हैं 12% डिवेंचर्स, बताइए 12% डिवेंचर की वैल्यू दे रखी है 4,50,000। और इसकी करंट लिमिटेड की बुक्स में एक लाइबिलिटी बनेगी डिविडेंड पेबल, देखिएगा करण लिमिटेड की जो टोटल कैपिटल है 22,00,000
50,000 पे 12% का डिविडेंड, 22,50,000 पे 12%, 2,70,000 का डिविडेंड। बोलो क्लियर है बिल्कुल यहां तक? चलिएगा, तो ये हमारे पास अब नेट असेट आ गए। लीजिएगा तो देखिएगा, नेट असेट कितनी आई, असेट्स का टोटल कितना आया था, 28,65,000। 28,65,000 माइनस 3 लाख माइनस 270, तो ये आ गया 22,95,000। इधर आ जाइए, अब असेट का टोटल आया था अपना 8,04,000। 8,04,000 माइनस 1,35,000 और माइनस 4,50,000, तो ये आ गया आपका 2,19,000। ये लीजिएगा, तो दिस इज अवर स्टेप नंबर वन। हमने दोनों कंपनियों की नेट असेट निकाल दी एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर? बिल्कुल। चलिए स्टेप टू, कैलकुलेट रिवाइज्ड वैल्यू, कैलकुलेट रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ नेट एसेट। इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ नेट असेट निकालेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्लूड है। लीजिए कैसे निकालोगे, बाय इक्वेशन मेथड। लेट लेट रिवाइज्ड नेट असेट ऑफ करण लिमिटेड इज इक्वल टू एक्स, और रिवाइज्ड नेट असेट ऑफ कनिका लिमिटेड इज इक्वल टू वाई। तो लीजिएगा, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू करण लिमिटेड की खुद की नेट असेट आई थी 22,95,000 प्लस, इसे 0.20 ऑफ वाई मिल जाएगा। वाई है रिवाइज्ड नेट असेट ऑफ कनिका, और उस रिवाइज्ड नेट असेट में उसका जो राइट है वो 20% है। इसी तरह से वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2,19,000 प्लस 0.20x। सॉल्व करते हैं, सो एक्स इज इक्वल टू 22 लाख प्लस 0.20, और वाई की जगह ये इक्वेशन रख दो, 2,19,000 प्लस 0.20x। चलिए अब सॉल्व कर देते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 22,95,000 प्लस, जरा मल्टीप्लाई कीजिए, 2,19,000 इंटू 0.2, 43,800 प्लस 0.04x। तो अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 0.96x इज इक्वल टू 23,38,800।
तो लीजिएगा एक्स इज इक्वल टू पॉइंट 0.96। तो ये आ गया 24/36 250। ठीक है, अब इसको अपन इक्वेशन में रख देंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू 219,000 प्लस 0.20, और एक्स की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी तो वाई इज इक्वल टू 219,000 प्लस इंटू 0.2, ये आ गया 487,250, 487,250। दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू 219 प्लस 487,250, 70,625। तो ये हमारे पास रिवाइज्ड नेट असेट यानी एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। रिवाइज्ड नेट असेट यानी एक्स और वाई की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। नाउ तो क्या अब हम कंसीडरेशन के लिए आईवी निकाल सकते हैं? यस। तो स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बोथ कंपनीज अब हम दोनों कंपनियों की क्या कंप्यूट कर लेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। करंट लिमिटेड, बताइए करंट लिमिटेड की नेट असेट क्या आई रिवाइज्ड 24/36 250 डिवाइडेड बाय इसके जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो थे 22,500। बताइए व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू 24/36/250 डिवाइडेड बाय 22,500 इज 108.2778। चलिए कनिका लिमिटेड, बताइए कनिका लिमिटेड की रिवाइज नेट असेट कितनी आई, 7,06,250 डिवाइडेड बाय इसके नंबर ऑफ शेयर्स थे 7,500। ये लीजिए आपके पास दोनों कंपनियों की इंट्रिंसिक वर्थ आ गई। आइए फोर्थ, स्टेटमेंट ऑफ कंसीडरेशन, सबसे पहले मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कनिका लिमिटेड, कनिका लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे आपके, 7,500। नाउ बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, अगर आपका केस सी लग रहा है तो केस ए का एडजस्टमेंट होगा और केस बी का। केस ए के एडजस्टमेंट में आप क्या करते थे, आउटसाइडर्स के लिए कंसीडरेशन निकालते हो,
तो इसमें से माइनस करोगे शेयर्स हेल्ड बाय करण लिमिटेड, करण लिमिटेड ने 1500 शेयर हेल्ड किए हुए हैं, तो लीजिए ये आ गए शेयर्स हेल्ड बाय आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स के पास 6000 शेयर्स। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कनिका लिमिटेड, कनिका लिमिटेड के एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू है 94.1667, तो ये आपके पास आएगी टोटल वर्थ। टोटल वर्थ ठीक है, 6000 इंटू 94.1667 टोटल वर्थ आ गई 5,65,000। ठीक है, अब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ करण लिमिटेड, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस वर्थ का पेमेंट करने के लिए जो करण लिमिटेड है वो अपने 108.2778 वैल्यू का एक शेयर इशू करेगी, तो इससे मेरे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू मेंटेन, टू मेंटेन इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी 5,65,000 को डिवाइड कर दो 108.2778, तो लीजिए 5,65,000 डिवाइडेड बाय 108, ये हो गया 5218.06। ठीक है, आईवी को मेंटेन करने के लिए आपको इतने नंबर ऑफ शेयर्स देने पड़ेंगे। अब इसमें से कुछ शेयर ऑलरेडी कनिका लिमिटेड के पास है, तो शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय, शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय कनिका, कनिका लिमिटेड के पास ऑलरेडी 4,500 शेयर्स हैं, तो ये अब हमारे पास आ जाएगा शेयर्स नाउ टू बी इशूड, इससे बोलेंगे शेयर्स नाउ टू बी इशूड, कैसे 5218.06 माइनस 45 718.06, ये लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड आ गया। आइए बोलो क्लियर है, बिल्कुल देख लो आराम से, ये आपका कंसीडरेशन का चार्ट बना ए प्लस बी सिचुएशन को लेकर, ए सिचुएशन का एडजस्टमेंट भी होगा इसमें और बी सिचुएशन का एडजस्टमेंट भी होगा। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सी स्टेप थी आपकी, स्टेप नंबर 4, 5 डिस्चार्ज स्टेटमेंट बनाएंगे हम, डिस्चार्ज स्टेटमेंट, ठीक है,
ये जो कंसीडरेशन हम डिस्चार्ज करने वाले हैं ये किस तरह से किया जाएगा। ठीक है सर, डिस्चार्ज कंसीडरेशन सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम लेते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 718 शेयर्स इंटू 100 रुपए का एक शेयर 7180। सिक्योरिटी प्रीमियम 718 शेयर इंटू प्रीमियम हुआ 8.2778, 8.2778 तो जरा कितना हो गया, 718 इंटू 8.2778 ये आएगा 5943 रुपीज। और कैश परफेक्शन चलिएगा 0.06 इंटू 108.2778, तो लगभग लगभग 7 रुपए का आपका कैश टोटल कर दीजिए। 71800 प्लस 5943 प्लस 77750, ये लीजिए ये आपका कंसीडरेशन आ गया। चलिएगा तो हेडिंग डालेंगे बुक्स ऑफ करण लिमिटेड। बुक्स ऑफ करण लिमिटेड यानी एक्वायरर। ठीक है, देखिएगा सबसे पहली एंट्री तो क्या होगी, बिफोर एक्विजिशन जो करण लिमिटेड था उसने एक डिविडेंड डिक्लेयर किया था, तो लीजिएगा फर्स्ट एंट्री हम डालेंगे उस डिविडेंड को डिक्लेयर करने की, तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिविडेंड पेबल अकाउंट, डिविडेंड पेबल अकाउंट। करण लिमिटेड ने टोटल कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया था भाई बताइएगा, तो 22,50,000 की कैपिटल उस पर 12% का डिविडेंड निकालिए, 22,50,000 इंटू 12%, तो आपका 2,70,000 का डिविडेंड आ जाए। चलिएगा अब सेकेंड पॉइंट, वन मोर थिंग मेरी बात ध्यान से सुनना, करण लिमिटेड ने कनिका में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, करण लिमिटेड ने कनिका लिमिटेड के 1500 शेयर्स खरीद रखे हैं, एग्री, ठीक है, इन 1500 शेयर्स की जो कॉस्ट थी आपकी वो आपको दे रखी है 2,25,000। नाउ आपका जो इंड एएस 109 है वो क्या बोलता है, आपको इन इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पर लाना पड़ेगा। तो चलिएगा पहले हम बात करते हैं कि करण लिमिटेड ने कनिका लिमिटेड में ये जो शेयर्स हेल्ड किए हुए हैं इन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, तो फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, नंबर ऑफ
शेयर्स हेल्ड, जितने शेयर्स उसने हेल्ड किए हुए हैं मल्टीप्लाई बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कनिका, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कनिका। बोलिए क्लियर है बिल्कुल? यहां बताइए, उसके पास 1500 शेयर्स थे इनटू, हाँ जी, तो 1500 शेयर्स 94.1667, बताइए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1500 इनटू 94.1667, 1,41,250। बोलिएगा क्लियर है बिल्कुल? 1,41,250। अब क्या हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, तो हेंस लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। चलिएगा मुझे बताएंगे हमारा लॉस कितने का हो गया? 2,25,000 की वैल्यू थी और आज वैल्यू 141,250 रह गई, बताइए 2,25,000 माइनस 141,250 यानी 83,750 का आपको लॉस हो गया, 83,750 का आपको लॉस हो गया। बोलिएगा क्लियर है यहां तक बिल्कुल? चलिएगा, तो इन्वेस्टमेंट पर लॉस की एंट्री डाल देते हैं आप। तो लीजिए एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इनकनिका लिमिटेड कितना था? 82,83,750, 83,750। चलिएगा, ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई, इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पर लेकर आ गए, यानी अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बची 141,250, 141,250। आगे बढ़ते, अब हम एक्विजिशन एंट्री डालेंगे। चलिएगा, फिक्स्ड असेट डेबिट, फिक्स्ड असेट डेबिट हो गई आपकी 75,000, डेटर्स आपके डेबिट हो जाएंगे 2,25,000। आफ्टर दैट स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो स्टॉक डेबिट हो गया 3,15,000। आफ्टर दैट बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक आपका डेबिट हो गया 1,35,000। एंड देन डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट 54,000 टू करंट लाइबिलिटीज 1,35,000। उसके बाद हमारे पास टू डिवेंचर्स 2 12% डिवेंचर्स कितने आए हमारे पास? 4,50,000। और टू कंसीडरेशन पेबल,
टू कंसीडरेशन टेबल आया था 77,750 टू बार्गेन परचेज टू बार्गेन परचेज। चलिए जरा बार्गेन परचेज निकाल देते हैं। 75,000 प्लस 2,25 प्लस 3,15 प्लस 1,35 प्लस 54 माइनस 1,35 माइनस 4,50 माइनस 70 750 141,250 ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, बार्गेन परचेज आ गया। आइएगा नेक्स्ट एंट्री, कंसीडरेशन को पे करेंगे अपन। कंसीडरेशन पेबल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्रैक्शन के लिए हमारे पास आया टू कैश। बताइए कंसीडरेशन पेबल कितना था हमारा, 77,750 71,800 शेयर कैपिटल 5,943 प्रीमियम में 7 रुपए का कैश। ये आपने जो डिस्चार्ज स्टेटमेंट बनाया था मैंने वहां से इस चीज की एंट्री डाल दी है। नाउ बार्गेन परचेज डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन कनिका लिमिटेड। अब हम अपने इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर रहे हैं। हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट की जो फेयर वैल्यू है वो अब कितनी हो चुकी है, 141,250। इसको राइट ऑफ कर देंगे तो देखिए बार्गेन परचेज में 141,250 अवेलेबल है हमारे पास। 141,250 से हम इसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। देखिएगा उसने क्या बोला था, आपके पास अभी भी 60,000 का गुड्स पड़ा हुआ है और जो प्रॉफिट कमाया गया है इस बार वो सेलिंग प्राइस पर कमाया गया है, तो यानी डायरेक्ट 20% निकलेगा। नहीं देखिएगा हमारे पास गुड्स 1.5 लाख का है, तो 1.5 लाख का 20% यानी 30,000। वापस से सुन लेना, ये जो 1.5 लाख है ये ऑलरेडी एक सेलिंग प्राइस है क्योंकि इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और क्वेश्चन ने बोला है कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो सेलिंग प्राइस पर ही बेस्ड है, तो अब हम रेट अपॉन 100 नहीं करेंगे, ये 1.5 लाख सेलिंग प्राइस है और इसी पर आपका टोटल प्रॉफिट कंप्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे डेटर क्रेडिटर को हमें कैंसिल करना है, तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, करंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट करंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितने से, 60,000 से हमारे पास ये एंट्री हो गई।
ठीक है। नेक्स्ट, वो जो डिविडेंड था हम ये मान रहे हैं कि उसका पेमेंट हो गया है, बट अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक डिविडेंड रिसीवेबल की असेट आई है 54,000, और ये वही डिविडेंड है जो आप देने वाले हो, यानी आपने ऑलरेडी इसकी लाइबिलिटी बना रखी है और अब आपके पास ये असेट भी आ गई। वापस से सुनना, अगर आपको ध्यान है तो देखिएगा, आपने फर्स्ट एंट्री में डिविडेंड पेबल क्रिएट किया है, यानी यू हैव टू पे डिविडेंड, और जब आपने एक्विजिशन एंट्री की तो आपके पास एक डिविडेंड रिसीवेबल भी आ गया। जानते हो ये रिसीवेबल वही आया है जो आपको पे करना है, तो इसका मतलब ये भी एक इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन बन गया जिसको आपको कैंसिल करना है। तो लीजिएगा, एंट्री क्या बनेगी, डिविडेंड पेबल डेबिट 270 टू डिविडेंड रिसीवेबल फिफ्टी 4,000, और बाकी का हम पे कर देते हैं टू बैंक, तो पे हो जाएगा 2,16,000। नाउ वन अनदर ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल, आप केवल 54,000 से कैंसिल करो और 2,16,000 को अपनी लाइबिलिटी में दिखा दो। तो लीजिए, दीज आर दी जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ करण लिमिटेड। चलिएगा, तो अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट ऑफ करण लिमिटेड। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ करण लिमिटेड आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट हेडिंग हमारी आएगी नॉन करंट असेट्स। फर्स्ट हेडिंग हमारे पास आएगी नॉन करंट असेट्स। बिल्कुल धीरे धीरे एक एक बात को आपको अब समझना है हमें। देखिएगा, नॉन करंट असेट्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले हमें दे रखी है फिक्स्ड असेट्स, बताइए फिक्स्ड असेट्स हमारे पास कितनी आएंगी। देखिएगा, करण लिमिटेड की फिक्स्ड असेट आपको दे रखी है 15 लाख, और कनिका लिमिटेड की दे रखी है 75,000, तो यानी टोटल आ गया फिक्स असेट आपके पास 15,75,000। बोलिए एग्री यहां तक। हाँ सर। उसके बाद हमारे पास गुडविल, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, हमारे पास गुडविल कितनी आई थी। देखिएगा, आपके पास जो गुडविल क्रिएट हुई थी वो कितने अमाउंट से क्रिएट हुई थी, जितना हमारा, बताइए जल्दी से, जितना हमारे पास क्या था, बताइएगा गुडविल कितने अमाउंट से क्रिएट हुई थी। हाँ जी, अब बताइए कि मुझे गुडविल की वैल्यू देखी कि आप लोगों ने कितनी आई। तो गुडविल आ रही है आपकी स्टॉक के ट्रांजैक्शन की वजह से 30,000। नाउ आगे बढ़ते हैं, करंट असेट्स, करंट असेट्स बताइए, करंट असेट्स में सबसे पहले आपके पास आएंगे डेटर्स। डेटर्स कितने, देखिएगा उस करण लिमिटेड के खुद के डेटर्स दे रखे हैं 4,35,000, प्लस कनिका के दे रखे हैं 2,25, और ड्यू टू द कॉन्ट्रा बैलेंसेस 60,000 माइनस हो जाएंगे ड्यू टू द कैंसिलेशन। 4,35 प्लस 2,25 माइनस 60, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 लाख। ठीक है, ये हमारे पास डेटर्स आ गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टॉक, बताइए स्टॉक की वैल्यू है 7,20,000 करंट लिमिटेड की, प्लस 3,15,000 कनिका लिमिटेड की,
और माइनस हमारा 30,000 का स्टॉक रिजर्व था, बताइए। 7 20 प्लस 3 15 माइनस 30, तो ये आपके पास 10,05,000, 10,05,000, क्लियर बिल्कुल। स्टॉक के बाद आगे बढ़ते हैं तो बैंक बैलेंस, बैंक बताइए। देखिएगा इसका बैंक बैलेंस 2,10 प्लस इसका बैंक बैलेंस कितना दे रखा है, 1,35, क्लियर यहां तक। अब इसमें से आपने पेमेंट क्या किया है, देखिएगा आपने एक एंट्री तो डिविडेंड का आउटसाइडर का पेमेंट किया था और एक फ्रैक्शन के लिए आपने कैश दिया था। तो लीजिए 2,10 प्लस 1,35 माइनस 2,16 और -7 रुपए, तो ये आ गया 128,993, क्लियर यहां तक बिल्कुल। ये लीजिए ये आपके पास टोटल आ जाएगा, ये हमारे पास हमारी असेट्स का टोटल आ गया 10,05,000। तो देखिएगा ये टोटल कितना आ गया, 33,38,000, 38,993, ये हमारी असेट साइड का टोटल आ गया। आइएगा अब हम आते हैं लाइबिलिटी साइड पर, सेकंड है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। चलिएगा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, चलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर कैपिटल का, देखिएगा शेयर कैपिटल में उसकी खुद की कैपिटल है 22,50,000। देखिएगा मैं यहां पर ब्रेकअप दिखा देता हूं, करण लिमिटेड की खुद की कैपिटल है 22,50,000 प्लस उसने जो कैपिटल इशू की थी 718 शेयर 100 रुपए वाले, तो 22,50,000 प्लस 71,800, तो ये आ गया 23,21,800, 23,21,800। आइएगा अदर इक्विटी, चलिएगा देखिए अदर इक्विटी में हमारे पास सबसे पहले है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व की वैल्यू हमारे पास है 2,00,000, फिर उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो था 340, माइनस हमने सबसे पहले एक डिविडेंड पेबल की एंट्री की तो पीएनएल डेबिट हुआ, माइनस आपने इन्वेस्टमेंट को जब रीवैल्यू किया था तो एक नुकसान हुआ था 83,750 का, तो पीएनएल से ये दो अमाउंट हट जाएंगे आपके, तो 340 माइनस 240 माइनस 83,750, ठीक है। तीन लाख चालीस हजार माइनस 270 माइनस 83,750, तो ये नेगेटिव बैलेंस पीएनएल का शो हो रहा है 13,750 का, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया था 5,943 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो लीजिए ये हमारे पास बैलेंस आ गया कितना 192, 19, तो ये हमारी अदर इक्विटी हो गई। नाउ नॉन करंट लाइबिलिटी,
जिसमें हमारे पास है 12% डिवेंचर्स। बताइए हमारे पास 12% डिवेंचर्स कितने के हैं? 4,50,000 के। और उसके बाद हमारे पास है करंट लाइबिलिटीज। तो देखिएगा करंट लाइबिलिटी कितनी है। देखो करण लिमिटेड की 3 लाख प्लस कनिका की 1,35 और इसमें से माइनस क्या कर देंगे अपन 60,000। बताइए 3 लाख प्लस 1,35 माइनस 60, 3,75,000। टोटल लगाइए 3,75 प्लस 4,50 प्लस 192, 193 प्लस 23,21,500, 33,38,999। ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। तो ये था हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन नंबर 46।